हाईवेज पे अक्सर लोगों के टायर्स क्यों फटते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरी चीज गाड़ी में हवा भरा या नाइट्रोजन। लेट मी एक्सप्लेन। जो नॉर्मल हवा हम भराते हैं उसमें होता है वाटर वेपर। जब हम गर्म सतह पे बहुत ज़्यादा टायर को जो है रोल करते हैं, बहुत गाड़ी चलाते हैं, तो जो वाटर वेपर होता है टायर के अंदर वो हल्का सा एक्सपांड होता है। अगर आपने पहले से ही प्रेशर बहुत ज़्यादा रखा है और वो भी एक्सपांड होगा तो सोचिए टायर के बॉल्स पे कितना प्रेशर आएगा, वो एक टाइम पे जाके फट जाएगा। तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं बहुत गर्म वेदर में, हल्का सा प्रेशर इनफैक्ट कम रखिए, क्योंकि वो वैसे ही एक्सपांड होने वाला है। हवा भरा या नाइट्रोजन? सिंपल आंसर, अगर आप रेगुलरली हवा भरा रहे हैं तो नॉर्मल हवा ही भराइए। नाइट्रोजन पे अलग से पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। 120 रुपया लेते हैं लोग आजकल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन वैसे ही 78% होता है नॉर्मल हवा में। नाइट्रोजन इंसान इसलिए भराता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो वो टायर से इजीली एस्केप नहीं करते हैं और टायर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा दिनों तक स्टेबल रहता है। पर उसके लिए पैसे क्यों खर्चना है? रेगुलर चेक करवाओ, फ्री में हवा भराओ, तब क्यों पैसा खर्चना है भाई? पैसा तेरा बाप देगा।